re ga re sa a re re a re o sha सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए कुटिया भी दुल्हन सी लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए मिलाज वो
आप खुशनुमा हस्ती हैं, खुदा ने खिलखिलाते रंग, खुदा ने खिलखिलाते रंग निहायत ही चंद बनाए हैं, उनमें से सबसे मोहक आज हमारी महफिल में आए हैं। मैं मंजू मंडेरना आप सबका आज आदिनाथ द सुपर स्पेशलिटी आयुर्वेदिक एंड पंचकर्मा सेंटर पर पहुंचने पर महिला परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। कृपा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे मेहमानों का स्वागत करें जी। और हमारे आंखों के तारे मेहमान के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अशोक कुमार एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नारनौल, वैद्य परवीन देशमुख नासिक, मनोज कुमार हनुमान सिंह XMLA टोहाना, डॉक्टर रविंदर बलियाला XMLA रतिया, डॉक्टर संजय बिश्नोई सत्यम अल्ट्रासाउंड फतेहाबाद, वैद्य दिशांत यादव रेवाड़ी, वैद्य कंचन शर्मा हिमाचल प्रदेश, वह हमारे बीच विराजमान अन्य अतिथिगण जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच विराजमान है, उन सबका हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पारायणी वैद्य तपन सर गुजरात अहमदाबाद से। डिग्री क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनके सामने ये सब बातें बहुत छोटी पड़ जाती हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में गूढ़ सूत्रों को इतने आसान तरीके से हम सब तक पहुंचाने की कोशिश कहना ठीक नहीं रहेगा, बल्कि संभव करके दिखाया है इन्होंने। आज की मॉडर्न दुनिया के बीच आयुर्वेद की बात करना लोगों में जग हंसना जैसा लगता है। इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा में ढालकर आयुर्वेद के ऐसे स्तंभ तैयार किए हैं जिन पर जमाना आने वाले समय में भी नाज करेगा। इनकी ख्याति सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु बाहर की दुनिया में कई देश जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं। कई बार ऐसे ही इंसान हमें मिलते हैं, हमारे बीच विराजमान होते हैं, जो हमारे लिए तालियों के साथ आ रहे हैं सदगुरु संहिता के पारायणी साक्षात्कार आप्त वैद्य तपन कुमार जी। सर प्लीज आइएगा। और मैं मामा राम कुमार जी महिला से अनुरोध करूंगी कि वो आए और पगड़ी पहनाकर सर का स्वागत करें प्लीज। जन मेरे बच्चे के हॉस्पिटल के उद्घाटन में पधारे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और मुझे इतने प्रेम से यहाँ उपस्थित किया और मेरी हैसियत से कहीं ज़्यादा आप लोग ने सम्मान और आदर किया है, उसके लिए मैं आप सबका ऋणी हूँ। और हम सब प्रार्थना करें कि हमारा बच्चा विकास उसका नाम सार्थक करे। और हर रोज पिछले दिन से दुगना मान सम्मान पैसा दौलत इज्जत वो सब कमाए और उसका संहिता का सद्गुरु का मम्मी पापा का और पूरी बिरादरी का और अंततो गत्वा राष्ट्र का नाम रोशन करे, यही संहिता के चरणों में श्री चरणों में प्रार्थना है। और आप सब लोग बहुत प्रेम से पधारे हैं, आप सब का भी बहुत बहुत आभार है। संहिता आप सब पर भी कृपा करे, हम सब पर कृपा करे और विकास पर जरा विशेष कृपा करे और वो खूब आगे बढ़े, यही प्रार्थना है। धन्यवाद। तो मैं ढेर सारे आशीर्वाद हमें एक साथ ही दे दिए हैं, थैंक यू सो मच।
सर के बारे में हम जितना बता सकते हैं वो कम है और ना ही हमारी इतनी हैसियत है कि हम उनका गुणगान अपने शब्दों से कर सकें, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी, हम चाहेंगे कि आपको उनके उनसे परिचित करवाएं, कुछ आप उनके बारे में जान पाओ, जितना हम बता सकते हैं मैं कोशिश करूंगी। वैद्य तपन कुमार सर एक पारंपरिक वैद्यों के परिवार से है जो पीढ़ियों से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाड़ी के गूढ़ रहस्यों से सर शिष्यों को अवगत कराते आ रहे हैं। सर SGVP होलिस्टिक हॉस्पिटल में आयुर्वेद के डायरेक्टर हैं, एक्टिव आयुर्वेदिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं। सर ने दिव्य ज्योत आयुर्वेदिक रिसर्च फाउंडेशन में गुरु माँ अनंतानंद माँ के सानिध्य में कैंसर के 45,000 से भी ज्यादा रोगियों को मैनेज किया है। सर इंटरनेशनल विजिटिंग एवं एक्सपर्ट स्पीकर रह चुके हैं यूरोपियन अकेडमी ऑफ आयुर्वेदा और जर्मनी में आयुर्वेद मार्गदर्शन कर चुके हैं। सर को फार्मा कंसल्टेंसी पंचकर्मा एवं मंत्र थेरेपी में महारत हासिल है। सर ने टोबैको फ्री आयुर्वेदा एंजाइनल पेन रिलीविंग पफ भी डेवलप किया है। सर एक कार्डियोलॉजिस्ट ओंकोलॉजिस्ट जैसे कई रूपों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो इतनी महान हैसियत हमारे बीच में है। परचम लहरा चुके हैं। इनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो LLB, LLM, PhD गोल्ड मेडलिस्ट की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने अपनी ही यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस में अपनी सेवाएं देते हुए अपनी तैयारी जारी रखी और वकालत के क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ते रहे। आज डॉक्टर अशोक कुमार जी एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की पोस्ट पर कार्यरत हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने पद की गरिमा बनाए हुए हैं। विश्वास के मालिक और आस्था के धनी जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पर समाज में हमेशा अपना विशेष स्थान बनाया है, आज वह विभूति हमारे इस सम्मानित मंच पर मौजूद है। मैं बुलाना चाहूंगी उनको कि आए और अपना सम्मान ग्रहण करें, और मैं साथ में ही मामा जयसिंह जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करें। थैंक्स टू ऑल। और मुझे बड़ा आज अच्छा लग रहा है कि मैं तपन सर से मेरा इंटरेक्शन हुआ, जितने हमारे गेस्ट आए हैं रिस्पेक्टेड गेस्ट उनसे मुझे बात करने का मौका मिला, और एक नई शिक्षा नई मेडिकल पद्धति के बारे में जैसे मुझे बताया गया कि इतनी अच्छी विभूति हमारे बीच में मौजूद है, और आज हमें उनसे बातचीत करने का अवसर भी मिला और उनके दर्शन हुए। और ये जो पद्धति है मेडिकल एजुकेशन मेडिसिन्स आयुर्वेदिक, इससे यहाँ इस क्षेत्र के लोग मुझे पूरा विश्वास है कि लाभान्वित होंगे। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो सीरियस केसेस सर से कंसल्ट करके ठीक हुए हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और वी प्रे टू द गॉड कि विकास सर के पदचिन्हों पर चल करके इनका नाम रोशन करे, इलाके का नाम रोशन करे, और परमात्मा से रिक्वेस्ट है कि ये अरदास है कि वे उनका आशीर्वाद मिलता रहे और इनके काम में इनके कार्य में परमात्मा वो जोश दे और वो बरकत दे परमात्मा, ताकि बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ये सेवा कर सके। और धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो नाइस ऑफ यू सर। So happy to be here in your presence, and we are so enlightened. I don't have any words to say anything else. I am so happy that I got this opportunity to interact with you. I am so happy. I am so thankful to the God. Thank you, sir. नाचना खुदा की बंदगी भी होती है। कुछ पल झूम कर देखो खुशी में,
तो लगेगा कि नाचना जिंदगी भी होती है। बीच उपस्थित पारायणी वैद्य परवीन देशमुख जी से, जो हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए नासिक से उपस्थित हुए हैं। ये आयुर्वेदा के क्षेत्र में वे व्यक्तित्व हैं जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन सूत्रधार थे, सॉरी कृष्ण सूत्रधार थे, और अर्जुन ने जो भूमिका निभाई थी, आज इन्होंने भी आयुर्वेदा के आधुनिक क्षेत्र में वही भूमिका निभाई है। तो मैं इन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। सर प्लीज अपने शब्दों से। अच्छा लगा, हम पहली बार हरियाणा आ गए और यहाँ आके तो अच्छा लगा ही, लेकिन क्लिनिक में आने के बाद तो और बहुत अच्छा लगा। बस दो भाई में मैं इतना कहूँगा, सबका साथ और सबका विकास, ये तो आज तक होता ही रहा है, लेकिन आगे विकास का भी विकास होता रहे, यही मैं सही तक को प्रार्थना करता हूँ और मेरे दो शब्द कहूँगा। धन्यवाद सर। के बारे में कुछ बताना चाहूंगी, आप लोगों से परिचित करवाना चाहूंगी। सर का नासिक में आयुर्वेद का बहुत खास आयुर्वेद के नाम से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। वैद्य तपन सर ने इस पवित्र स्थल को आयुर्वेद तीर्थ की उपाधि दी है। सर के हॉस्पिटल में जाते ही जो शांति और तसल्ली मिलती है, उससे हम आयुर्वेद को महसूस कर सकते हैं। कैंसर से लेकर पीसीओडी नाम की बीमारी की चिकित्सा तक सर के द्वारा फॉर्मुलेटेड महाकषाय का प्रयोग नेशनल एवं इंटरनेशनल वैद्य कर चुके हैं। बुलाना चाहूंगी पूजा मैम, वाइफ ऑफ तपन सर, गुजरात अहमदाबाद से, जो हमारे बीच उपस्थित है, दया की मूर्ति के रूप में हमारे बीच में अभी विराजमान है। सो तालियों की और मैं बड़ी मामी जी को बुलाना चाहूंगी कि आए और थैंक यू सो मच मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज, कुछ दो शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। मैं क्या बोल सकती हूँ, बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, वो घर पे आते थे तो इतना प्यार करते थे, अभी भी उनकी याद आ रही है सब बच्चों की, और हम भुला नहीं पा रहे बच्चों। बस मेरा बेटा विकास उत्तर उत्तर प्रगति करता रहे, इससे भी बड़ा की बनाए और सबकी सेवा करें, वही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। नहीं होता मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी इस अनमोल पर्सनैलिटी को, सरोजीत मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करें और मैं हमें बुंदा से अनुरोध करूंगी कि आए और इनको सम्मानित करें। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारियां है सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेदारियां है सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करता। ऐसा ही एक मुस्कुराता चेहरा हमारे बीच उपस्थित है, उन्हें मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। राजश्री मैम प्लीज। बस पति के साथ पत्नी का
सम्मान होता है, आज तो वही होता है। इनके साथ सिर्फ आ गई थी और इतना बड़ा सम्मान मिल गया, बहुत धन्यवाद। और विकास साहब का उनके क्लिनिक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे भी ऐसे ही चलते रहना। उनका स्वभाव जैसा है एकदम शांत और कॉन्सेंट्रेशन से काम करते हैं, बस वही लगातार रखिए। तो कुछ और बात है, पर आप जरा भी साथ दो तो कुछ और बात है। यूं तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, यूं तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा पांव भी साथ दे तो कुछ और बात है। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी दूसरे पांव के जैसा साथ देने वाले भाई वैद्य देशांत यादव को, प्लीज कम ऑन द स्टेज। वैद्य विकास ने जैसे हम सभी इकट्ठे हुए नए हॉस्पिटल की शुरुआत किया है, जहाँ पे संहिता और सदगुरु का आशीर्वाद जिनको मिलेगा उसके आगे किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, उसके बाद कामयाबी खुद उनके कदम चूमती है। धन्यवाद।
ज्ञान की डोर में, गुस्से को बांध दिया ज्ञान की डोर से, पिता सा प्यार दिया बचा लिया चहु ओर से, पिता सा प्यार दिया बचा लिया चहु ओर से, दोस्त बनकर संभाल लिया अपना समझकर अपना लिया, दोस्त बनकर संभाल लिया अपना समझकर अपना लिया, शत शत नमन आपके चरणों में, आयुर्वेदा का जो ज्ञान लिया। थैंक यू कंचन। देखते ही मन को भा जाती हो कि इसको चाहिए क्या, बिन बोले समझ जाती हो। सुंदरता में भी चार चांद लगे हैं, सुंदरता में भी चार चांद लगे हैं, कुछ सीखो इनसे आजकल सभी ये कहने लगे हैं। कौन इतना समझदार है, गैस करोगे? ये तो पता चल रहा है कि कोई मैम ही है, लेकिन जो उनके हस्बैंड है वो सोच सकते हैं कि कौन होगा, कौन इतनी अच्छी है। गलत भी जवाब देंगे तब भी लगेगा कि हाँ कोशिश कर रहे हैं। दिल में दया आंखों में करुणा, दिल में दया आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। लेकिन हमें तो मिल गया है, हमारे बीच उपस्थित है, तो पहचानिए कौन है वो इंसान जो हमेशा मुस्कुराता रहता है और अभी भी बहुत मुस्कुरा रहे थे। जिनके टाइटल आ चुके हैं वो नहीं है। कम बोलना ज्यादा समझ, गुरु का निर्मल प्यार मिला ये लक है आपका। कम बोलना ज्यादा समझना व्यवहार है आपका, गुरु का निर्मल प्यार मिला ये लक है आपका, गुरु शिष्य का प्रेम ऐसे ही बना रहे, भगवान से यही निवेदन है हमारा। रानी है वो, महलों की रानी है वो, सुंदर सयानी है, निर्मल सा मन है, निर्मल सा मन है, मन को मोहने वाली है वो। कौन है वो हैसियत, पहचानिएगा प्लीज। अभी नहीं, अभी ये गेम नहीं, झूठ बोलने वाला नहीं है। आपके ही बच्चों ने हमें बताया है कि आप में क्या खासियत है, तो हमने उसी को निखारा है। ब्यूटी फेस पर है ब्यूटी, तभी तो लगती हो क्यूटी। कौन है ऐसा, ऐसा क्यूट मुझे मेरे पीछे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। प्लीज कंचन मैम। बहुत सोच समझ के बनाया गया तपन सर, तो पहचान जाए क्या नहीं मुझे नहीं पता है। मन में है माया छोटी सी है काया, मन में है माया छोटी सी है काया, कुछ बड़ा करने का तुम पर जुनून है छाया, कुछ बड़ा करने का तुम पर जुनून है छाया। पहचानिए सर प्लीज। आया कौन है? नहीं खबर सर, अब इससे पूछिएगा कि माया कौन है। योगी सर ऋतु मैम
बस यहाँ तक सर, यहाँ तक आए हैं गुजरात से हजारों किलोमीटर। मतलब अगर मेरे से अगर कोई बोले दोस्त की शादी में अगर आना है तो मेरे से जाना नहीं हो पाएगा उधर तक। इतनी दूर तक चले आना, ये सर जब मैं पहली बार सर से मिला था और सर ने जो बात बोली थी आज, वो ऐसे कैसे मतलब प्रत्यक्ष दिख रहा है आपको के आगे कि सर प्रेम का वर्ड यूज किया था फर्स्ट डे कि प्रेम के कारण प्रेम करना सिखाता हूँ, प्रेम ही आता है, तो ये प्रेम का ही है जो यहाँ तक चले गए आए हैं सर। मैम थैंक यू सर। मैडम मंजू का धन्यवाद और उनके लिए तालियां बजाएं।